हम अभी यहाँ पे घूम रहे थे, ये प्यारी सी बच्ची हमें मिली। हमें सुबह की दूसरी लिफ्ट मिल चुकी है जोगिंद भैया ने दी। भैया अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम प्रेमनंदन सिंह है जी, रहने वाला हूँ और गौरीपुर बॉर्डर से आपको बैठा रहा हूँ, गौरीपुर टोल से बैठा रहा था आपको। और अभी कहाँ जा रहे हैं आप? गुवाहाटी जा रहा हूँ। गुवाहाटी में कहाँ? गुवाहाटी में एयरफोर्स जा रहा हूँ। तो इनका जो एयरफोर्स में माल लोड होने वाला है तो इसलिए लोग जा रहे हैं, और फिलहाल हमें ड्रॉप करेंगे गुवाहाटी और फिर वहाँ से आगे का प्लान हम लोग वहाँ चल के उतर के उसके बाद डिस्कस करते हैं। तब तक बने रहिए, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। खम्मागढ़ी दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग आए हैं गुवाहाटी में। गुवाहाटी में हम लोग आए हैं डॉक्टर भूपेन हजारिका, जो कि यहाँ के असम के फेमस सिंगर है बहुत बड़े, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उनका समाधि क्षेत्र है यहाँ पे। तो बिना देरी के मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ अंदर, और इसके व्यू के बारे में आपको दिखाता हूँ, प्लस थोड़ी सी आपको हिस्ट्री यहाँ पे जो असम में प्लस इंग्लिश में लिखी गई वो देख पढ़ सकते हो आप यहाँ पे। ये यहाँ पे जो श्री तरुण गोगोई जी हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उन्होंने डॉक्टर भूपेन हजारिका को डेडिकेटेड करते हुए समाधि क्षेत्र बनाया था 5 नवंबर 2015 में, और यहाँ पे इन्होंने ये असम में लिख रखा है। तो यहाँ से कुछ ये एंट्री पॉइंट दिखता है। अब धीरे धीरे अंदर चलते हैं, पहले मैं आपको बाहर का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद जो मेन है ये वाला इसमें लेके चलूँगा। उससे पहले मैं आपको इसके आसपास का एरिया दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया गया है, फ्लावर्स और ये सब चीज़ें डेकोरेट करके, और यहाँ पे देख सकते हो स्टैचू बना रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल इस साइड से कवर कर लेते हैं, फिर उधर चलेंगे। आप दोनों का नाम? नाम शाहल। और आपका? इस जगह के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? मैंने बता नहीं सकता, मैं भी बाहर का हूँ। अच्छा, बाहर के, कहाँ से हो आप? मैं यूपी के हूँ। यूपी, और ये भी? अच्छा, घूमने आए हो आप भी। बाय। तो अभी हमें कुछ सब्सक्राइबर मिले थे तो उनसे बात की हमने, और काफ़ी अच्छा लगा, वो भी यूपी के ही थे। और आप देख सकते हो ये है स्टैचू, तो थोड़ा सा मैं आपको पास में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कुछ बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग्स रखी गई यहाँ पे। अब कंटिन्यू में करके ये है हमारे डॉक्टर भूपेन हजारिका। यहाँ पर देख सकते हो ये हैं इनके पेरेंट्स, और ये इनके यंग भूपेंद्र हजारिका जी, मतलब बचपन की फ़ोटोज़ है कुछ। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट ओकेजन्स में इन डिफरेंट मूड्स में उनकी पिक्चर्स पोर्ट्रेट्स ले कर रखी गई है, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है। और यहाँ पर भी वही सेम है, डिफरेंट मूड्स एंड डिफरेंट ओकेजन्स में उनके पोर्ट्रेट्स हैं। ये है उनके बीवी एंड बच्चे, देख सकते हो। और यहाँ पे देखा जाए तो
वही सिबलिंग्स एंड सन्स है, यहाँ पे भी वाइफ सिबलिंग्स एंड सन्स। भूपेन हजारिका जी बहुत ही फेमस सिंगर है असम के, और इन्होंने लता जी के साथ और कई फेमस सिंगर के साथ काम किया है, और इन्हें असम रत्न से नवाजा गया। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे उनकी जो बायोपिक हुई या फिर उसके सॉन्ग्स हुए या उनके अवार्ड्स फंक्शंस हुए, उन सबको यहाँ पे शो किया जाता है, और वो उसको नीचे की जगह पर्दे को और फिर उनके ऊपर प्रोजेक्टर के थ्रू चलाया जाता है, और यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे ऑडियंस बैठी रहती है, उनको सब कुछ डिटेल दिखाया जाता है। और आपको बता दें भूपेन हजारिका जी असम के जाने माने सिंगर हैं, और उन्होंने कई पुरानी मूवीज़ में काम किया है, उन्हें कई प्रोजेक्ट मिले हैं सिंगिंग से रिलेटेड, और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर है असम के। यहाँ पे मेनली उनके अवार्ड्स एंड फंक्शंस जो भी उनको उनकी अचीवमेंट्स है उन्हें शो किया गया है, और देख सकते हो मेनली सिर्फ उनके याद के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ अचीवमेंट्स ही रखी गई है उनकी। हम अभी यहाँ पे घूम रहे थे, ये की बस्तियाँ में जो कि हमारे साथ पहली बार मेरी लाइफ में अभी पहली सेल्फी होगी जो हम मेरे साथ पेश करना चाहता है, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया। ये आप मम्मी होंगे और ये मामा, नाम बता दीजिए दीपक, दीपक जी सर आपका, आप भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच, चलिए अब चलते हैं, ये हो गया यहाँ का व्यू कंप्लीट, अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे आगे और भी जगह देखेंगे, लोकेशन जो विजिटिंग के लायक होगी। गाइस सच में आज मेरी लाइफ का मतलब बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है, मेरे को फर्स्ट टाइम किसी ने मिला कि ये आपके साथ हमें सेल्फी लेना है, तो फिलहाल चलते हैं जल्दी से नीचे, और सीरियसली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अब मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो गाइस देखा आपने, इस बच्ची ने बहुत ही प्यारा डांस किया है। यहाँ पे मुझे ये सॉन्ग म्यूट करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसे कंटिन्यू रखूँगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, और इसीलिए मैंने इस गाने को म्यूट कर दिया है। बस आपको जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है NCS का, यानी नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक, वही देखने को मिलेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और इस प्यारी सी बच्ची को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें।